मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। खासकर एलोपैथी के डॉक्टरों ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सब लोगों के दिमाग में डाल दिया, वो ये घी मत खाओ नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तेल मत खाओ नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और मैं आपको आयुर्वेद की जानकारी ये दे रहा हूँ कि जो अगर आपने देसी घी नहीं खाया और तेल नहीं खाया तो जरूर हार्ट अटैक आएगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने देसी गाय का घी अपनी जिंदगी में नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो 101% आपको हार्ट अटैक आएगा और 101% ये गुड़गे का त्रास होगा, कमर दुखेगी, घुटने दुखेंगे, कंधा दुखेगा और इससे भी ज्यादा खराब खराब बीमारियां आएंगी, मूड़ व्याध हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, भगंदर हो जाएगा, कुष्ठबद्धता होगी, मलबद्धता होगी। जो देशी गाय का तूप नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो लगभग आपको 23 बीमारियां होंगी, 23 रोग होंगे। इसलिए भोजन में देशी गाय का तूप और शुद्ध तेल ये जरूर खाइए, इससे किसी को ना हार्ट अटैक आता है ना किसी को डायबिटीज होती है। हार्ट अटैक किससे आता है वो समझ लीजिए, डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर हार्ट अटैक आए। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर आपको डायबिटीज होगी। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर आपको अस्थमा होगा, ब्रोंकियल अस्थमा होगा। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, सब तरह की एलर्जी आपके शरीर में आएगी। तो ये तकलीफ जो है वो डालडा से है, रिफाइंड ऑयल से है, देशी घी से कोई तकलीफ कभी किसी को नहीं हुई। हाँ, भैंस का भी नहीं, भैंस और जर्सी एक ही है। आप जरा सोचो, भगवान कृष्ण ने भैंस क्यों नहीं पाली, सोचो ना आप इस बात। भगवान कृष्ण के घर में 7 लाख गाय थी, एक मशी तो रख सकते थे, जिस घर में 7 लाख गाय एक भैंस तो पाल ही सकते थे, नहीं रखी थी। राम जी के घर में भी कभी गाय थी, मशी कभी नहीं आई। राम जी के पिताजी दशरथ, उन्होंने भी गाय पाली, कभी मशी नहीं पाली। दशरथ जी के वंश में एक दिलीप राजा हुए, वो तो गाय के लिए इतने मशहूर थे कि गाय की जान बचाने के लिए अपना शरीर उन्होंने दान कर दिया। भारत के जितने भी महान देवी देवता हैं, दत्त भगवान उन्होंने भी गाय पाली, कृष्ण भगवान उन्होंने भी गाय पाली, शंकर जी के पास गाय का नंदी है, भगवान राम के पास गाय थी, मशी और भैंस सिर्फ यमराज ने पाली। और आप जान लो यमराज मृत्यु के देवता, तो मशी का घी खाओ और दूध पियो, जल्दी से यमराज के पास जाओ, ज्यादा से ज्यादा तो भैंस दूध मिलता है। हाँ, तो मशी का दूध आप अपने लिए मत लाओ, मेरी आपसे पहले भी विनती थी, मशी का दूध बंबई को पिलाओ, आप मत पियो। 40 गांव के लोग दूध का धंधा करते हैं ये मुझे माहिती है, इसलिए यहां से दूध जो बेचना है मुंबई को वो मशी का बेचो, जितना बेचना है बेचो। अपने लिए दूध अगर लाना है तो देशी गाय का लाओ। और आप 10 मशी पाल सकते हो, एक गाय तो पाल ही सकते हो ना अपने लिए, तो अपने लिए दूध लाना है तो देशी गाय का लाओ। अपने लिए दही लाना है तो देशी गाय के दूध का बनाओ। अपने लिए तूप लाना है तो देशी गाय का दही बना के, दही का ताक बना के, ताक में से मक्खन निकाल के, मक्खन को गर्म करके ऐसे तूप बनाओ, वो तूप खाओ। इस तूप से कभी भी आपको डायबिटीज नहीं होगी, अर्थराइटिस नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा, अस्थमा नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप चले। तो डायबिटीज है इसका मतलब आप समझ लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इसको कम करना है, तो मैंने बता दिया सबसे आसान उपाय है डालडा खाना बंद और रिफाइंड तेल खाना बंद, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाए। तेल खाना हो तो शुद्ध तेल खाओ, मैंने कहा था घाणी का निकला हुआ तेल, चाहे तो शेंगा का, चाहे तो तिल का, चाहे तो नारियल का, चाहे तो करड़ी का, चाहे तो सरसों का, चाहे जो तेल खाना है, सोयाबीन छोड़कर और पामोलिन छोड़कर कोई भी तेल खाओ, शुद्ध तेल खाओ, घी खाओ, तूप खाओ, देशी गाय के दूध का, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप ही खत्म होने वाले।